एवरीवन, प्रगति दिस साइड, मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। सो आज हम क्लास 11th का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 11th को ध्यान से समझने की जरूरत है, बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली यूज होते हैं क्लास 12th में, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्लास 11th से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो क्लास 11th चैप्टर 1 सेट से हम शुरू करेंगे। So, let's start. So, students, set start करने से पहले फ्लो चार्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दूंगी आपको सेट्स का, देन वी विल डू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, सिंगलटन सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हम सबसेट्स करेंगे, देन वेन डायग्राम करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे प्रॉब्लम्स बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती हैं। देन हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, देन वी विल डू कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से, सो इसे ध्यान से करेंगे। लास्ट में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इनके साथ में आपको एग्जांपल्स कराऊंगी 2-3 हर टॉपिक में से, बट लास्ट की एक वीडियो हमारी होगी जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आर सेट्स? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। In this well defined is very important. Well defined means the objects which are clearly defined. और हिंदी में हम कह सकते हैं अच्छी तरह से परिभाषित। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूं, सेट ऑफ क्रिकेट टीम, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि क्रिकेट टीम हर कंट्री की अपनी अलग होती है, कंट्री में हर स्टेट की अपनी अलग होती है, स्टेट में सिटी की अलग होती है, सिटी में हर रीजन की, हर विलेज की अलग होती है। सो हमने डिफाइन नहीं किया कि हमें कौन से मेंबर्स लेने हैं क्रिकेट टीम के। सो इफ आई से अ सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ क्रिकेट टीम, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। मुझे बताना होगा कि मेंबर्स ऑफ क्रिकेट टीम कौन से रीजन के लेने हैं। और आई कैन से वन मोर एग्जाम्पल, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 कौन कौन से होंगे? 1, और यू कैन से पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 7 अगर हम लेती हूं, दैट इज 2, 4, 6। सो इट इज अ सेट, वेल डिफाइंड है, हमें बताया गया है दैट यू हैव टू टेक पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 7, 2, 4, 7, 6, क्लियर? तो हम सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से, ए बी अप टू सो ऑन अप टू जेड, कैपिटल अल्फाबेट्स। सो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगी? कैपिटल ए इक्वल्स टू, और उसके बाद हम लगाएंगे ब्रेसेस, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल अल्फाबेट से, ए बी सी एंड सो ऑन, क्लियर? ये तो नंबर्स हैं, सो आई कैन राइट ब्रेसेस में 2, 4, 6, सो दिस इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, इफ ए स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, देन वी से ए बिलोंग्स टू ए, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है? दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए। सो नेक्स्ट, दीज आर सम सेट्स, ये हमारे सिंबल्स हैं एन। अगर मैं एन के आगे ऐसे डंडा लगा देती हूं, सो दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं जेड ऐसे लिखती हूं, जेड करके दिस मार्क, सो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, आर दिस टाइप ऑफ सिंबल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, दिस सिंबल जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स का हमारा सिंबल जेड था, पॉजिटिव इंटीजर्स का जेड प्लस, Q
क्यू प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, आर प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा, एंड एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, तो हम क्या करेंगे, सेट क्या होते हैं 2, 4, 6 एलिमेंट्स हो गए, सेपरेट किए कोमा से और लास्ट में एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। नेक्स्ट, एलिमेंट्स लिस्टेड इज इमटीरियल। इमटीरियल मींस इरिलेवेंट, मींस जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6 है, अगर मैं 4, 6, 2 लिखती हूं और 6, 4, 2 लिखती हूं तो इससे सेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस सेट इक्वल्स टू दिस सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ओल्ड नेचुरल नंबर्स लेती हूं मैं, सेट ऑफ ओल्ड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 1, 3, 5 अप टू सोन, बहुत सारे हैं, इसे मैंने डॉट डॉट किया है। डॉट डॉट मीन्स ओल्ड नेचुरल नंबर्स का जो सेट है आगे इनफाइनाइटली कंटिन्यू है। नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, रोस्टर फॉर्म में रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा। अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूं, मुझे स्कूल लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सेट सी इक्वल्स टू एस कोमा सी कोमा एच कोमा ओ एल, मीन्स ओ यहां पे दो बार रिपीट है तो मैं उसे एक बार ही लिखूंगी। ऑल राइट, इट मीन्स नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स। फोर्थ वी हैव डन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हैज नो रेलिवेंस, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स का, सेट इक्वल ही रहेंगे। ऑल राइट, एंड नेक्स्ट इज आर सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट पॉजेस कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी विच इज नॉट पॉजेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मीन्स सारी एलिमेंट्स सेट के अंदर जो हैं वो एक कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, जो कोई भी एलिमेंट सेट के बाहर वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेती हूं ए ई आई ओ यू, ये क्या है, हमारी रोस्टर फॉर्म है। ऑल राइट, ये क्या दिखा रहे हैं कि ये वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के, कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। आउटसाइड अगर हम कोई भी और एलिमेंट ले लेते हैं इनके अलावा, क्या वो ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट? नो। एंड हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को, ये सिंबल से डिनोट करेंगे एक्स फॉलोड बाय दिस कॉलन, एंड देन वी राइट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, कौन सी प्रॉपर्टी वो पोजेस्ट कर रहे हैं, फिर होल डिस्क्रिप्शन को वी विल एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ए आई ओ यू को लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सिंबल लिखूंगी एक्स देन कॉलन देन उसकी प्रॉपर्टी लिखूंगी। एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। उसके बाद मुझे क्या करना है, होल डिस्क्रिप्शन को एनक्लोज विद इन ब्रेसेस, मैंने ब्रेसेस लगा दिए। क्लियर? अगर मुझे ये रीड करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, यहां पे कॉलन का को कैसे रीड करेंगे हम, सच दैट, और ये जो ब्रेसेस है इट मीन्स सेट ऑफ ऑल, तो मैं कैसे रीड करूंगी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर? नेक्स्ट आर सबसेट्स। नाउ व्हाट आर सबसेट्स, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, हर एलिमेंट ए का बी में भी बिलोंग करना चाहिए, देन वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। इफ दिस इज बिलोंग्स टू, बताया था ये पहले, इफ ए बिलोंग्स टू ए दिस इंप्लाइज द एलिमेंट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी,
then we say that A is the subset of B. If A is not a subset of B, means A में कोई ऐसा element होगा जो B में नहीं है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? A, ये तो subset का symbol होता है, इसमें से line draw कर दो, A is not a subset of B. अगर A subset है B का, B subset है A का, then if and only if A equals to B. A के सारे एलिमेंट्स B में है, B के सारे एलिमेंट्स A में है, इट मींस A इक्वल्स टू B है. देखो मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, A इक्वल्स टू 1, 2, 3, B इक्वल्स टू 3, 2, 1. अब देखो A इज द सबसेट ऑफ B है, 1 A में है तो B में भी है, 2 B में भी है, 3 B में भी है. अब B के सारे एलिमेंट्स A में है, 3 है, 2 है, 1 है, B is the subset of A है, और A, this implies A equals to B, clear? So, अगर A subset हो जाए B का, B subset हो जाए A का, if and only if A equals to B. Phi क्या था? Empty set, means उस set में कोई भी element नहीं है, तो Phi जो है subset होता है हर set का. So, next is our proper subsets. प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो हम उन्हें कहेंगे प्रॉपर सबसेट्स. एग्जांपल लेते हैं, ए मैंने लिया है 1, 2, 3, बी मैंने लिया है 1, 2, 3, 4, 5. मींस ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, 1, 2, 3 तीनों बी में हैं, पर ए एंड बी इक्वल नहीं है. It means A is the subset of B. Alright, अगर A और B equal भी हो जाते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? इसके नीचे equality का sign लगा देते हैं. Means ये proper subset नहीं है. यहाँ पे ये subset भी है, plus equal भी है. So proper subsets होने के लिए सारे elements A के B में होने चाहिए, but A not equals to B होना चाहिए. Clear? So next, हम intervals करते हैं. Intervals on real numbers. Alright, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, set of all y such that a strictly less than y, strictly less than b. Means a is not equals, not belongs to this interval and b also not belongs to this interval. Means open interval है a and b. a, b के बीच में सारे elements हैं, पर a और b belong नहीं कर रहे हैं उस interval में. ठीक है, इसको मैं डिनोट कर देती हूँ, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी. ओके, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? एक नंबर लाइन लेंगे, ए एंड बी पॉइंट्स लेंगे, तो ओपन इंटरवल है, इट मींस ए और बी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ओपन सर्कल से दिखाएंगे. अगर बिलोंग कर रहे होते तो हम फिल कर देते सर्कल को, क्लोज सर्कल से दिखाते. सो दिस इज ओपन इंटरवल. नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ, ए बिलोंग कर रहा है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन बी. मीन्स ए उस सेट में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल से दिखाऊंगी, एंड बी बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ओपन इंटरवल से. ए से क्लोज्ड है, बी से ओपन है, मीन्स ये इंटरवल ना तो ओपन है ना क्लोज्ड है, वन साइडेड ओपन, और यू कैन से वन साइडेड क्लोज्ड. नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ, सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट ए इज लेस देन वाई लेस देन इक्वल्स टू बी, इट मीन्स ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा सेट सी में, बट बी बिलोंग्स टू सेट सी. सो बी क्लोज सर्कल एंड ए ओपन सर्कल. सो ए साइड से ओपन, बी साइड से क्लोज्ड, इट मींस वन साइडेड ओपन और वन साइडेड क्लोज्ड इंटरवल. नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू बी, ये मैंने सेट डी लिया, मींस ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू सेट डी. सो हमने दोनों को क्लोज सर्कल से दिखाया है, सो दिस इज एन क्लोज्ड इंटरवल. सभी केसेस में लेंथ ऑफ इंटरवल सेम रहेगी, दैट इज बी माइनस ए. क्लियर? अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2, 4 ओपन इंटरवल, इन चारों केसेस में जो लेंथ है वो सेम रहेगी, दैट इज बी माइनस ए, मीन्स 4 माइनस 2, सो लेंथ विल बी 2. ऑलराइट, अगर हम सबसेट्स देखने हैं, 2, 4 मीन्स 2 एंड 4 आर नॉट इंक्लूडेड, बाकी के सारे, तो ये सबसेट होगा क्लोज इंटरवल 2, 4 का, मीन्स इसके बीच के सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं, प्लस इसमें एडिशन है, 2, 4 भी बिलोंग कर रहा है, ये इसका भी सबसेट होगा 2, 4 का.
4, क्लियर। इसका मतलब क्या है, 2 बिलोंग कर रहा है और इन सारे 2 4 के बीच में सारे रियल्स नंबर बिलोंग कर रहे हैं। इसमें 2 एंड 4 भी बिलोंग कर रहे हैं प्लस बीच के सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। अब इसमें देखो 2 4 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 4 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं रियल नंबर्स। इसमें 4 बिलोंग कर रहा है, इसमें भी 4 बिलोंग कर रहा है, बट इन एडिशन इसमें 2 भी बिलोंग कर रहा है, क्लियर। अगर यहां पे लिखती हूं तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इक्वल भी है 2 4 के, क्लियर। नाउ हाउ यू विल फाइंड सबसेट ऑफ अ सेट। अगर मुझे कोई भी सेट गिवन है a इक्वल्स 2 1 2 एंड आई नीड टू फाइंड सबसेट, तो कैसे निकालेंगे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सभी सेट का सबसेट होता है, तो हमारा फर्स्ट सबसेट क्या आ गया, phi। ऑलराइट, एलिमेंट क्या है 1, तो 1 जो है वो इसका सबसेट होगा। सिमिलरली 2 इसका सबसेट होगा एंड दिस 1 2 ये कंप्लीट इसका सबसेट होगा। सो हमारे कितने सबसेट्स आ गए इस एलिमेंट के, 1 2 3 एंड 4। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 की पावर n, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ये हमारा n है। तो यहां पे 2 एलिमेंट्स थे तो सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 दैट इज 4। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं बी सेट, ए बी सी आर द एलिमेंट्स इन द सेट, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, 5 ए बी सी ए बी बी सी सी पहले लिखो या बी बाद में लिखो, ऑर्डर हैज नो रेलेवेंस एंड ए बी सी। सो दीज आर द सबसेट्स ऑफ दिस सेट, जैसे 5 है इसमें बिलोंग कर रहा है, ए इसमें बिलोंग कर रहा है, बी इसमें बिलोंग कर रहा है, सो ऑन। सो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 2 की पावर n क्या है हमारा, 3, सो 8। ऑलराइट, नाउ नाउ इफ आई से a इक्वल्स 2, इसके अंदर भी मैंने ये 1 लिया है, 2 3 इस टाइप से लेती हूं, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, 5, ये जो है ये यहां पे एलिमेंट है कंप्लीट, तो ये तो एलिमेंट हो गया, इस पे आप ब्रेसेस लगेंगे, क्लियर। 2 3 और राइट, आप दो दो एलिमेंट्स लो, ये कंप्लीट एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स, 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर 3 8, क्लियर। ऑलराइट, नाउ इफ आई से a हमारे पास है 1 2 and this 3, सो जस्ट टेल मी 1 2 इज द सबसेट ऑफ a और नॉट, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, फॉल्स। व्हाई, बिकॉज ये पूरा एक एलिमेंट है, इसका सबसेट क्या होगा, दिस दिस इज द सबसेट ऑफ a, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। जैसे मैं कह सकती हूं a इज द सबसेट ऑफ 3 इज द सबसेट ऑफ a कह सकती हूं, नो, बिकॉज 3 एक एलिमेंट है, सेट सबसेट भी खुद में एक सेट होता है, उसको सेट के लिए ब्रेसेस में लाना पड़ता है, दिस 3 इज द सबसेट ऑफ a। आई कैन से दैट 3 बिलोंग्स टू a,
थ्री ए को बिलोंग करता है, पर ये इसका सबसेट नहीं है। जब तक हम उसे सेट की फॉर्म में नहीं लिख लेते, ब्रेसेस लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली दिस इज एन एलिमेंट हियर, दिस बिलोंग्स टू ए बट दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। क्लियर? सो इन चीजों का ध्यान रखिएगा वेन एवर यू फाइंड सबसेट। Now we will do types of set. So our first type is empty set or null set or void set, one and the same thing. A set that doesn't contain any elements. वो set जिसमें कोई element नहीं होगा तो वो क्या होगा? Five. Five means set that doesn't contain any element. For example, A, ये हमने कौन सी फॉर्म ली है? सेट बिल्डर फॉर्म। ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर लेस देन टू। लेस देन टू को इवन प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही है, दैट इज टू। लेस देन टू कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या होगा? फाइव, एम्प्टी सेट। बी हमने लिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, एक्स इज ओड। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर मीन्स अगर हम x निकालेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस टू। प्लस माइनस टू इज नॉट एन ऑड नंबर, सो हमारा क्या आ गया? फाइव। x की वो वैल्यू लेनी थी जहां पे x ओड हो, हमें कुछ नहीं मिला ओड, सो इसका क्या आंसर होगा? फाइव। फाइव मीन्स एम्प्टी सेट। रिमेंबर वन थिंग, अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर and x plus 1 equals to 1, integer ले लो, x is an integer such that x plus 1 equals to 1, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो x plus 1 equals to 1 हमारा क्या होगा? 0। तो इसका आंसर हमारा आ गया 0। तो जीरो यहां पे एलिमेंट है। जीरो डजंट मीन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मीन्स फाइव जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। यहां पे जीरो हमारा एक एलिमेंट है तो ये सेट एम्प्टी नहीं होगा। नाउ सेकेंड टाइप इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अ सेट विच इज आइदर एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो फाइव हो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मीन्स काउंटेबल एलिमेंट्स हो, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होती है देन द सेट इज इनफाइनाइट सेट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज अ प्राइम। नेचुरल एंड प्राइम नंबर्स तो बहुत है, राइट? इट इज इनफाइनाइट सेट। टू थ्री फाइव सेवन इलेवन एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स हैं। बी हम सेट लेते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। आप देखो टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स की क्या वैल्यू हो गई? हाफ। बट हाफ जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, सो इसका आंसर क्या होगा? फाइव। सो बी इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है तो क्या होगा? ये फाइनाइट। नेक्स्ट सी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करो, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। एक्स की क्या वैल्यूज आ गई? वन एंड टू। सिर्फ दो वैल्यूज आई है तो ये सेट क्या बन गया? वन कॉमा टू। सो दिस इज फाइनाइट सेट, काउंटेबल है। नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ बोथ ए एंड बी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, मीन्स नंबर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, देन वी से दैट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, अदरवाइज द सेट्स आर अनइक्वल। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? अगले इक्वल सेट्स हो, ए इक्वल्स टू बी। वी विल टेक वन एग्जाम्पल। एक्स इज द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, मीन्स एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं?
ए कॉमा एल एल दो बार रिपीट है तो हम एक बार ही लिखेंगे ओ वाई. एंड बी बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, तो हमारा बी सेट क्या बन गया एल ओ वाई ए. देन अगेन एल, रिपीटेशन हम कर नहीं रहे. अब देखो ए दोनों में है, एल दोनों में है, ओ दोनों में है, वाई दोनों में है. ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, अगर ऑर्डर अलग है सेट्स का तो भी सेट्स इक्वल होंगे. बताया था रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर हैज नो रेलेवेंस. सो वी हैव फोर एलिमेंट्स और सारे एलिमेंट्स दोनों के सेम है, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स एंड बी आर इक्वल सेट्स. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज अ सेट, 1 2 3 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए. बी में क्या एलिमेंट्स है, 2 3 4 5, मीन्स 1 एलिमेंट इसमें नहीं है एंड 5 एलिमेंट इसमें नहीं है, देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स. ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स. अब आगे देखते हैं, बी एंड सी देखते हैं. सी में क्या है, 2 2 रिपीट हो रहा है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं, 2 3 5 4. क्लियर, 2 है दोनों में, 3 भी है, 5 भी है, 4 भी है. ऑर्डर हैज नो रिलेवेंस, आगे पीछे एलिमेंट्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता. 4 एलिमेंट्स हैं, सारे इक्वल हैं, सो आई कैन से दैट बी एंड सी आर इक्वल सेट्स. अब ए और सी में देखो, 1 ए में है, सी में 1 नहीं है. क्लियर, 5 सी में है, ए में 5 नहीं है, देयरफॉर ए एंड सी आर अनइक्वल सेट्स. सो हमारी फिफ्थ टाइप क्या है, पावर सेट. पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए. ए के जितने भी सबसेट्स है इसका कलेक्शन होता है पावर सेट. अगर ए के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर m. इसको कैसे डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए दैट इज पी ऑफ ए. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने कोई भी सेट लिया है 1 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर m, दैट इज 2 की पावर 2, 4. ऑल राइट, पावर सेट कैसे लिखेंगे, उससे पहले हम इसके सारे सबसेट्स लिखते हैं. 5 तो सबका ही होता है सबसेट, 1 2 1 2. 4 आएंगे पावर सेट में एलिमेंट, 4 हो गए सबसेट्स इसके, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 1 2 1 2. और इनको किस में एनक्लोज करना है, ब्रेसेस में. सो दिस इज योर पावर सेट. सिक्स्थ टाइप इज यूनिवर्सल सेट, इट इज डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू. अ सेट विच कंटेन्स ऑल सेट्स, वो सेट जो सभी सेट्स को कंटेन करता है. और हम क्या कह सकते हैं, इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स. एग्जाम्पल देखते हैं, ए हमने लिया है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स है 2 3 4, सी में एलिमेंट्स है 3 5 7. तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स, इन तीनों के एलिमेंट्स का कलेक्शन. 1 2 3 ए के एलिमेंट्स हो गए, बी के क्या है 2 3 4, 2 3 ऑलरेडी आ चुका, 4 लिख लो. सी के क्या है 3 5 7, 3 ऑलरेडी है, राइट 5 7. सो यू कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी एंड सी. आज के लिए बस इतना ही, ये हमारी बेसिक चीजें थी जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी था. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का मेजर टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा है वेन डायग्राम्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी फीडबैक्स हैं, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं जो कि मेरा है @simplifiedmaths1. एंड बाकी की वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख सकें. थैंक यू.